हाँ जी, बस सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि केपीएल को सक्सेस बनाए और मीरपुर की जो टीम है उसको भी इंशाल्लाह ताला फाइनल में लेके आए और चैम्पियन बने। तो बस यही है, हम एज ए क्रिकेटर हम यही कर सकते हैं, मोटिवेशन दे सकते हैं, कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस है वो हम शेयर कर सकते हैं। दुनिया के 10 टॉप के ऑलराउंडर्स में से इनका भी एक नाम है, तो जोरदार तालियों में एक दफा फिर से। हाँ जी, कुछ ना कुछ तो बोल रहे हैं। एडी जल्दी बुला रहे हैं, तुम बहन देना सी। थोड़ी देर बाद फिर बुला लेंगे। अच्छा अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मीरपुर रॉयल के जो ओनर हैं जवाब भाई, नजीब भाई और आसफ भाई, एक उन्होंने यहाँ बुलाया और यहाँ पे केपीएल के प्रेसिडेंट आरफ मलिक साहब भी बैठे हुए हैं और नॉर्दर्न एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट और सीईओ बैठे हुए हैं, सबको सलाम। और जितने भी यहाँ पे लोग हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, बस सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि केपीएल को सक्सेस बनाए और मीरपुर की जो टीम है उसको भी इंशाल्लाह ताला फाइनल में लेके आए और चैम्पियन बने। तो बस यही है, हम एज ए क्रिकेटर हम यही कर सकते हैं, मोटिवेशन दे सकते हैं, कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस है वो हम शेयर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अच्छी मैनेजमेंट है, इंशाल्लाह इंजॉय भी करेंगे और जितने भी हमारे साथ सपोर्टिंग स्टाफ है जिसमें माया फरद भी हैं, नवीद कुरैशी भी हैं, इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे इनको भी साथ लेके चलें और मीरपुर को अच्छी टीम बनाएं और फाइनल जीतें ट्रॉफी इंशाल्लाह ताला। तो मैं फिर एंड में फिर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा केपीएल का भी कि जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त ये लास्ट ईयर भी ये इवेंट कराया और सक्सेसफुल हुआ। इस साल भी मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ये बहुत ही बुलंदियों को छुएगा और अपनी पहचान फिर बनाएगा। थैंक यू वेरी मच।